कोई जगह है मिलने की? इतनी रात को इस घने जंगल में बुलाया और कोई दिख भी नहीं रहा है। कहाँ हो तुम? कौन है? कौन है? यही हूँ, आगे आ जाओ। यही है, यही हो तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? आगे आओ तो दिखाई दूंगा ना। आओ, आगे आओ। सर, मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई जब मैंने लाश को देखा। लाश को देखा कब था आप लोगों ने? मॉर्निंग में जब पेट्रोलिंग के लिए आए थे। सर, मैं तो शॉक रह गया लाश को देख के। सर, इस साइड। ये रही लाश। इतनी दर्दनाक मौत, पूरे शरीर से स्किन निकाल ली इसकी। किसी जानवर का काम तो नहीं है? सो, इसके पास ये हैंडीकैम मिला है। फुटे चेक कर लेना इसका। और सर, इसके पास वो 3 बैग्स भी मिले थे। वो? जी सर। इस बैग में तो ये खाल पड़ी। ये बैग खुला हुआ था पहले से या तुमने खोला? सॉरी सर, वो चेक करने के लिए खोला था। ओह नो, इसमें भी खाल है। तीनों बैग में खाल। खूनी ने पहले खून किया और फिर खाल निकाल के इन तीनों बैग में डाल दिया। लेकिन खूनी ऐसा करेगा क्यों? सर? हाँ? सर, ये लाश के पास ऊन मिला। सर, काला ऊन, चमड़ी पूरी उधेड़ दी। कहीं वो तंत्र मंत्र का तो चक्कर नहीं है? हो सकता है, पर खूनी जो कोई भी है उसके दिमागी हालत ठीक नहीं है। कोई वैश्य दरिंदा है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आदमी है कौन, तभी पता चलेगा कि इसे किसने मारा और क्यों। मरने वाले का नाम कार्तिक था सर, क्राइम रिपोर्टर था आज के न्यूज के लिए। ये रमन है, एडिटर है न्यूज़पेपर के। और ये कायरा है सर, कार्तिक की मंगेतर। कायरा जी, प्लीज हिम्मत रखिए, आपका दुख हम समझ सकते हैं। क्या आप बता सकती है कार्तिक का कोई दुश्मन था, कोई झगड़ा वगैरह था किसी के साथ? कोई एक दुश्मन हो तो बताओ ना सर, उसके तो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन? क्यों, मतलब ऐसा क्या किया था कार्तिक ने जो इतने दुश्मन थे? कार्तिक ने कुछ नहीं किया, ये करवाते थे उनसे। दुश्मनी की सारी वजह ये इंसान है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? एक मिनट, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर, कार्तिक मेरे न्यूज़पेपर में एज अ क्राइम रिपोर्टर काम करता था सर। ये मुझ पे झूठा आरोप लगा रही है सर, बल्कि अपना रास्ता साफ कर रही है। क्या मतलब? मतलब इनकी कार्तिक से खुद नहीं बनती थी सर। सर, वो बोल रहा था कि ये लड़की विश्वास के काबिल नहीं है, इसलिए ये रिश्ता ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता, इसलिए शादी कैंसिल कर दी। क्यों खैरा जी, सच कह रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और छोटे मोटे झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं। कल रात कहाँ पर थी तुम? सर, हम मुझ पे शक कर रहे हैं। इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सब हमारे शक के दायरे में हैं, चाहे वो आप हो या रमन जी। आप मेरा क्या लेना देना,
मैं तो आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं। क्या हुआ रमन जी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो कोई मुझ पे झूठा ब्लेम करे तो थोड़ी टेंशन हो जाती है। क्राइम रिपोर्टर था, हो सकता है किसी अपराधी के खिलाफ कोई आर्टिकल वगैरह लिख दिया हो तो उसी ने। सर काफी दिनों से वो किसी केस पे काम नहीं कर रहा। तो फिर रात को वहाँ जंगल में क्या करने गया था? और वहाँ हमें एक कैमरा भी मिला सर, उस कैमरे में कोई फुटेज नहीं था। पर सर मुझे नहीं पता वो जंगल में क्यों गया। सर कल रात को कार्तिक को एक फोन आया था, कोई उसे जंगल में मिलने बोल रहा था। जंगल में? सर हो सकता है वो फोन खूनी ने किया। पूरे काम करो, कार्तिक के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो। अच्छा फोन पे क्या बात हुई थी कुछ सुना आपने? बस इतना कहते हुए सुना कि इतनी रात को जंगल में। सर कार्तिक को आखिरी कॉल 1452874888 से आया था और ये नंबर महेश आकव के नाम पे रजिस्टर्ड है। महेश आकव? वो पॉलिटिशियन तो नहीं? देख सर जरा फोन करके देखो। लगता है नंबर ब्लॉक्ड है। देखिए सारिका जी, रजनी जी, उज्जवल जी, प्लीज ये हो हल्ला बंद कीजिए वरना मेरा पूरा प्रोग्राम स्पॉइल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता ये हो हल्ला ऐसे ही चलता रहेगा। मैम आप समझने की कोशिश कीजिए। हम सब समझ चुके हैं, अब आप समझने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ जो भी गेस्ट है ना उनको कोई। सॉरी सर आप अंदर नहीं जा सकते। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मिस्टर महेश से मिलना है, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनके ऑफिस से पता चला कि वो यहाँ पे आए हुए। हाँ जी वो आए। हाय प्लीज राष्ट्र निर्माण में हर इंसान की अपनी अपनी भूमिका रहती है, सबका अपना अपना योगदान रहता है। तो जैसे सभागार के पुनर्निर्माण में आप सभी ने अपना अपना योगदान दिया उसके लिए मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सर सीआईडी टीम आपको बुला रही है। आदमी कार्तिक इसका खून हो गया। खून हो गया तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं जानता इसे। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो फिर आपने कल रात फोन करके इसको जंगल में क्यों बुलाया? मैंने बुलाया? मैंने इसे नहीं बुलाया। हमारे पास आपके कॉल डिटेल्स है। कल रात 8:30 बजे आप ही ने कार्तिक के मोबाइल पे फोन किया था ना? नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं इस आदमी को नहीं जानता तो नहीं जानता, मैं इसे क्यों फोन करूंगा? तो फिर कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर कैसे आया? सर मैं नहीं जानता, मेरा फोन कल से ब्लॉक हो गया था। है? है? हो सकता है पर असली वजह तो फोरेंसिक लैब में जाके ही पता चलेगी। सुनैना कहाँ जा रही हो तुम? ये ड्रामा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे। पागल मत बनो,
होश से काम लो, और वैसे भी वो बहुत खतरनाक है, तुम अकेले उसका कुछ नहीं कर सकती। ये लड़ाई मैं अकेले लड़ सकती हूँ। सुने ना, चला। अरे वे कौन? वे वो आपके एसीपी साहब। वो अपने पोते अर्जुन को लेकर हॉस्पिटल गए हैं रूटीन चेकअप कराने। ओ अच्छा अच्छा गुड गुड। अरे कार्तिक आप क्या कर रही हैं? फूलों को चेक कर रही हूँ। फूल? क्या फेरे मारे पड़ा इधर उधर? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कि जैसे शादी में शादी शादी क्या शादी में एक दूसरे के गले में फूलों की माला। डॉक्टर तारिका कुछ पता चला? डॉक्टर तारिका हाँ, यही कि इसी माला के वजह से महेश की मौत हुई है। क्या इस माला की वजह से महेश की मौत हुई? कैसे? अभिजीत कैसे मौत हुई है ये मैं बताता हूँ। ये फूल देख रहे हो, ये साधारण फूल नहीं है, एक जहरीला केमिकल छिड़का हुआ है इन पर। मैं बताता हूँ वो कौन सा केमिकल है। इस केमिकल ने क्या किया? ये खून देख रहे हो जमा हुआ, बस ये जहरीला केमिकल यही करता है, ब्लड वेसल्स को जमा देता है। मतलब जैसे ही ये हार महेश के गले में गया तो जहर इसके स्किन के थ्रू उसके शरीर में चला गया। हाँ। ये देखो, ये देख रहे हो ये गर्दन पर और ये यहाँ पर ये लाल लाल निशान, यहाँ से वो जहर इसके शरीर के अंदर गया है। यहाँ जहाँ जहाँ स्किन के कांटेक्ट में आया वहाँ पे ये लाल रंग के धब्बे हो गए, तो जहर इस हार के जरिए बॉडी के अंदर गया और खून जमा दिया। बिल्कुल, अब देखो इसको हार्ट अटैक कैसे हुआ। ये आर्टरीज हार्ट तक खून पहुंचाती है, लेकिन फूलों में लगे हुए जहरीले केमिकल की वजह से इन आर्टरीज में जो खून था वो जम गया और उसने हार्ट तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो खून हार्ट तक ना पहुंचने की वजह से ये हार्ट ने काम करना बंद कर दिया और इसीलिए महेश जी की मौत हो गई। एग्जैक्टली। ये केमिकल कौन सा पता चला? बहुत ही साधारण सा केमिकल है, आसानी से मिल जाता है हर जगह पर। ये स्कूल की केमिस्ट्री लैब में भी मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अच्छा मुझे इस हार में से कुछ और भी मिला है। क्या? आप इस हार को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन कौन से फूल लगे हुए हैं इसमें। गेंदे का फूल है, ये गुलाब है, लिली है और ये क्या पत्ती जैसा? ये सूंघिए इसे। इसको सूंघना है? ये हार तो अरे सूंघ लो यार, कुछ नहीं होगा। नहीं ये कह रही है तो फिर कुछ नहीं होगा। लहसुन? एग्जैक्ट, लहसुन का पत्ता, प्याज का फूल और साग, हर्ब्स भी हैं इस हार में। खून के खून करने के लिए हार में ये लहसुन और प्याज का पत्ता डाल दिया। दो खून हुए हैं कार्तिक का और महेश का, और दोनों खून अजीब तरीके से हुए हैं। कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा दोनों के बीच में, संबंध तो है। इस महेश के फोन से तो कॉल किया गया था कार्तिक को। हाँ यार, लेकिन महेश ने कहा था कि उसका फोन ब्लॉक्ड है, जबकि कार्तिक के फोन रिकॉर्ड में महेश का नंबर है। उस महेश का फोन अच्छे तरीके से चेक करना पड़ेगा। चक्कर है क्या?
सर, साइबर टीम ने महेश का मोबाइल चेक कर लिया। क्या पता चला? सर यही कि फोन कॉल उसके फोन से गया ही नहीं था। उसके फोन से कॉल नहीं हुआ? नहीं सर, महेश सच बोल रहा था। हाँ सर। सर कार्तिक के फोन पे महेश का कॉल कैसे आया? सर उन लोगों का कहना है कि फोन किसी दूसरे फोन से किया गया है। महेश के फोन की हूबहू कॉपी की गई है सर, क्लोनिंग की गई है। अच्छा, तो सारा चक्कर ये है, हर हैंडसेट का IMEI नंबर होता है, तो जिसने भी ये फोन किया उसने महेश के हैंडसेट का IMEI नंबर कॉपी किया और उस नंबर से कार्तिक को फोन किया। और जैसे ही मोबाइल कंपनी को पता चला कि एक ही IMEI के दो नंबर हैं, तो उन्होंने महेश के फोन को इलीगल समझकर उसे ब्लॉक कर दिया। सर जब महेश ने मोबाइल कंपनी में कंप्लेन की थी तो दूसरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। सर फोन ब्लॉक करने से पहले उसी फोन से एक कॉल और किया गया है। इसको नंबर मिल गया सर, नाम देखता हूँ। तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज ही इस कहानी का दी एंड होगा। अच्छा सर, मैंने स्कूल में सभी लोगों से पूछताछ की, उनका कहना है कि उन्हें उस हार के बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर जरूर किसी ने असली हार को हटाकर उस जगह पे जहर वाला हार रख दिया है। सर इसके नाम पे उसका नाम सुनेना है और ये मोबाइल कंपनी ने उसकी आईडी भी भेजी है। देखिए इसी इनॉग्रेशन के बाद वहाँ स्कूल में थी, तो फिर जरूर ये औरत स्कूल में काम करती होगी। और अगर इस औरत को फोन गया है तो फिर इस औरत की जान को भी खतरा है। नंबर तो आउट ऑफ रेंज बता रहा है सर। पंकज ये नंबर ट्रेस करो, पता करो कहाँ है इस पर। सर ये तो जंगल के पास दिखा रहे। जंगल के पास? वही जंगल जहां पे कार्तिक का खून हुआ था। बालों में से हमें ये मिला है, मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला सिर के बालों में से? ये लड़की जंगल में गई थी तो हो सकता है वहाँ पे इसके बालों में लग गया होगा। छह अलग-अलग टाइप की मकड़ी के जाले मिले इनके बालों में से। अगर जंगल में से आए होते तो छह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ चार अलग अलग टाइप के जाले पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप की मकड़ियाँ अलग अलग जाले बनाती हैं, कुछ रहने के लिए और कुछ शिकार के लिए। आइए मैं दिखाती हूँ। ये है अलग अलग टाइप के जाले। चार तरह के जाले, तो फिर ये बाकी के दो जाले ये कहाँ से आ गए इसके सिर में? और एक और सवाल है इसी के साथ कि सारे के सारे जाले एकदम परफेक्ट जैसे कि तैसे, ये कैसे?
तब तो इजाले जंगल में नहीं, किसी ने इसे मारने के बाद इसके बालों में लगा दिए। एग्जैक्टली दैट। पहले किसी ने इसे पानी में डुबोया, ये मर गई, उसके बाद इसके बालों में ये मकड़ियों के जाले लगाए गए। मगर क्यों, बाल में जाले लगाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है कोनी का? कार्तिक, महेश, सुने ना, इन तीनों के खून अलग अलग तरीके से हुए हैं, लेकिन इन तीनों के खून में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, जरूर है। खून अलग तरीके से हुए, पर हर लाश के पास कुछ ना कुछ अजीब मिला है। जैसे ये कार्तिक के लाश के पास हमें ये स्किन, खाल और फुल, और महेश के लाश के पास ये हार जिसमें अजीब अजीब ये हर्ब्स मिले हैं, और सुनैना के सिर में मकड़ी के जाले। सर, हाँ? सर, हार में जो अजीब तरह के जड़ी बूटी मिली है उसका मतलब पता चल गया है। क्या? सर, ये इन जड़ी बूटियों का बंडल बना के पास में रखने से बीमारियां कम होती हैं, और इनके बंडल को अंग्रेजी में पोजीज कहते हैं, और ब्लैक प्लेग में भी काफी यूज होती है। पोजेस, ये तो किसी बच्चों की कविता में सुना है मैंने। पोजेस, ऑल फॉल डाउन, रिंगा रिंगा रोजेस। बिल्कुल फ्रेडी, यही नर्सरी राय में वो रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, अशा हुशा ऑल फॉल डाउन। ये नर्सरी राइम जो है रिंगा रिंगा रोजेस, ये ब्लैक प्लेग से कनेक्टेड है। इंग्लैंड में जब ब्लैक प्लेग हुआ था तब ये नर्सरी राइम तैयार हुई। रिंगा रिंगा रोजेस का मतलब है लाल लाल धब्बे शरीर के ऊपर, जो प्लेग हुए आदमी को शरीर पे आते हैं, रेड पैचेस। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। अभी जो तुमने कहा कि वो जड़ी बूटियां लोग अपने पास रखते थे ताकि प्लेग से छुटकारा मिले, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। हशा हशा हुशा का मतलब है चीखना। प्लेग होता तो आदमी चीखते रहता है। वी ऑल फॉल डाउन। हाँ, वी ऑल फॉल डाउन मतलब उसके बाद में आदमी गिर के मर जाता था। मतलब सर, महेश के साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसे इस नर्सरी राइम में था। बिल्कुल। ये बाकी दो खून का कनेक्शन भी नर्सरी राइम से हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है अभिजीत, सोचो तो। सर, सुनैना की मौत पानी में हुई और उसके सिर में मकड़ी का जाला मिला, तो कौन सी नर्सरी राइम हो सकती? सर, वो वाली इंची विंची स्पाइडर। यस, इंची विंची स्पाइडर क्लाइम्ड अप द वाटर स्पाउट, डाउन केम द रेन एंड वॉश्ड द स्पाइडर आउट। सुनैना के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है सर। से पहले जाले में फंसाया गया और फिर जंगल के बीचों बीच पानी में डुबो के मार दिया गया। हाँ सर, सुनैना की लाश तो हमें जाल में ही मिली थी। और कार्तिक की लाश के पास से हमें थ्री बैग्स मिले थे और फूल, थ्री बैग्स फूल। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी फूल? यस सर, यस सर, इसका मतलब क्या है? रेडी, इसका मतलब है भेड़ों से तीन बैग भर के खून निकाल कर उन बैग में भरा गया। खूनी ने कार्तिक के खाल को भी तीन बैग में रखा था सर। सर, खूनी ने इतना दिमाग लगाया खून करने, बच्चों की नर्सरी राइम्स का इस्तेमाल किया। सर, ये खूनी साइकोपैथ, वैशी दरिंदा है ये, वैशी दरिंदा। सर, मोटिव क्या हो सकता है खून करने में? वही तो पता लगाना है पूर्वी की, मोटिव क्या हो सकता है खूनी का। सर, ये महेश एक कॉर्पोरेटर था, सुनैना एक सोशलाइट, कार्तिक एक क्राइम रिपोर्टर। सर, इन तीनों के प्रोफेशन को लेके ही कुछ है सर ये। एक काम करते हैं, इस पेपर के एडिटर से जाकर मिलो, इस रमन से, और उससे पूछो कि पिछले कई महीनों में कार्तिक कौन से क्राइम स्टोरीज पर काम कर रहा था, और रहा ये खूनी, इस खूनी का बच्चों से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, इसलिए उसने नर्सरी राइम्स इस तरह से इस्तेमाल किए हैं, और फिर ये तीन खून भी हुए,
वो भी स्कूल से कनेक्टेड है। स्कूल, नर्सरी, रैंक और बच्चे, इस खूनी का कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है बच्चों के साथ। सर, कार्तिक ने क्राइम के ऊपर काफी आर्टिकल्स लिखे हैं, काफी क्राइम केसेस पर उसने फॉलो भी किया। हमें उसके सारे केस की डिटेल्स चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है उन्हीं में से किसी केस की वजह से उसका खून हुआ है। या देता हूँ, मैं सारी डिटेल्स देता हूँ। सर देखिए, कार्तिक हमारे यहाँ 4 साल से काम कर रहा था, 4 साल में 40 आर्टिकल्स उसने लिखे होंगे, यही है सारी डिटेल्स। मार्कर स्कूल, ये कार्तिक मार्कर स्कूल के केस को कवर कर रहा था। वही स्कूल जहाँ पे कॉर्पोरेटर महेश जी गए थे उद्घाटन करने के लिए, और ये सुनैना भी थी वहां पर। हाँ, इसमें लिखा है 4 बच्चों की मौत हुई थी स्कूल का खाना खाने की वजह से। हाँ सर, कार्तिक इसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। पहले तो कह रहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर कहने लगा कि बच्चों की मौत बाहर के खाने से हुई है। ये लोग तो वही है ना जो स्कूल के बाहर खड़े थे जब हम लोग महेश जी से मिलने गए थे। ये ऐसा तो नहीं कि अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए इन्हीं में से किसी ने ये सारे खून किए? हो सकता है, कुछ ना कुछ तो लेना देना है इनका इस खून से। लेना देना है सर, हमारे बच्चों की मौत में इन लोगों का हाथ भी है। बच्चों की मौत में इन लोगों का कैसे हाथ है? ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा, इसीलिए तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता, हम चुप नहीं बैठने वाले। देखिए हिरण जी, इसमें स्कूल का कोई दोष नहीं है, यह पहले की इन्वेस्टिगेशन से साफ हो चुका है। अगर इसमें स्कूल का कोई हाथ नहीं है तो आप हम लोग के साथ क्यों नहीं है? दोषियों को क्यों बचा रहे हैं? मैं दोषियों का क्यों साथ दूंगा? उस हादसे में मेरी बेटी भी शिकार हुई थी, और आपको याद है ना, सबसे पहले हमला मेरे ऊपर ही हुआ था। हमला? जी सर, बच्चों की मौत की खबर फैलती ही लोगों ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया था। मेरा मुंह काला किया गया, मेरा ऑफिस तोड़ दिया गया, स्कूल की बहुत बदनामी हुई थी सर। वैसे ये हादसा हुआ कैसे था, आप कुछ बता सकते हैं? आप लोग स्कूल का खाना खाया था बच्चों ने, जाने उस खाने में क्या था। और अब आपसी रिपोर्ट में भी सर यही था कि सड़ा गला खाने से बच्चों की मौत हुई है। महेश जी के अलावा और किस किस का खून हो गया? कार्तिक और सुनैना। मगर मुझे खुशी है कि महेश और सुनैना मर गए। क्यों? आपको इस बात की खुशी क्यों है? सर, इन लोगों ने केस को दबाने की पूरी कोशिश की। ये लोग इस स्कूल से जुड़े हुए थे, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मगर कार्तिक को हम लोग नहीं जानते। तो ये बताइए, आप लोगों के बच्चों को नर्सरी राइम्स पसंद थे? मुझे अच्छे से याद है सर, हम लोग बच्चों के साथ बाहर गए थे जहाँ कैंप फायर में सभी बच्चों ने अपनी अपनी फेवरेट राइम्स गाई थी। इसका वीडियो भी है मेरे पास सर, ये देखिए। ये पेरेंट्स में से ही कोई है जो बदला ले रहा है? सारे खून उसी ने किया है। आदर्श, तुम सुनैना के पति हो, इसलिए इन बच्चों की मौत के बारे में जरूर सब कुछ जानते हो। और फिर ये भी बताओ, सुनैना का क्या संबंध था इस सब से? सर, कोई संबंध नहीं था। अगर महेश का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होता तो वो मुझे जरूर बताते। तो फिर महेश के खून होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह है कार्तिक के दुश्मन। कौन है उसका दुश्मन? मुझे नहीं पता सर। गाला जी, हमें क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ तो कुछ छुपा रही हैं? मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? आपकी जरा सी जानकारी किसी की जान बचा सकती है।
उन्हीं का अगला निशाना किसी की माँ बाप भाई बहन कोई भी हो सकता है। सिर्फ आप लोग उनकी जान बचा सकते हैं। बताओ आदर्श, तुम बच्चों की मौत के बारे में जरूर कुछ ना कुछ तो जानते हो, बताओ जल्दी। उन बच्चों की मौत स्कूल के खाने से हुई थी। बच्चों को जो स्कूल में खाना दिया जाता था उसमें आधे पैसे सरकार के होते थे और आधे पैसे पेरेंट्स दिया करते थे, जिनका महेश और सुनैना गबन किया करते थे। मतलब वो लोग स्कूल को सस्ते दाम पे सड़ा गला घटिया राशन खरीद के देते थे। कार्तिक को ये बात पता चल गई थी, वो इस खबर को छापने की बजाय उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। पैसे कमाने के चक्कर में खबर दबा दिया। सर, ये तीनों मिलके मासूम बच्चों की मौत से कमाई कर रहे थे, इसलिए शायद खूनी ने इनको एक एक करके मार दिया। पता नहीं चलता कि ये खूनी कौन है और फिर उसका चौथा विक्टिम कौन हो सकता है। सर, ये भी तो हो सकता है कि वो चौथा विक्टिम हो ही ना। रेडी, चौथा विक्टिम है। देखो, चार बच्चों की तो मौत हो चुकी है, उसमें से तीन बच्चों की मौत का उसने बदला ले लिया है। एक का बदला लेना बाकी है। सर, बच्चों की तीन फेवरेट राइम का इस्तेमाल तो कर लिया है खूनी ने, अब ये चौथी नर्सरी राइम का इस्तेमाल करके अगला खून करेगा। हम्प्टी डम्प्टी। सर, कार्तिक की सीक्रेट फाइल मिल गई, इसमें स्कूल फूड केस के बारे में सब कुछ लिखा है। चौथे विक्टिम का नाम है इसमें? हाँ सर, नाम के साथ फोटो भी। देखिए सर, रूबी। ये तो स्कूल में थी जब महेश की मौत हुई। हाँ सर, ये स्कूल की कैंटीन की इंचार्ज है। कैंटीन इंचार्ज? मतलब खाने का ये खराब सामान इसके सामने से अंदर जाता होगा सर, लेकिन पैसों के लिए उसे पास कर देती होगी वो। कार्तिक इसे भी ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ सर। तो रूबी का नंबर है? हाँ सर, नंबर है, और मैंने फोन भी ट्राई किया, फोन नहीं उठा रही। तो फिर पता लगाओ उसका, इससे पहले कि वो खूनी उसका खून करे, हम्प्टी डम्प्टी जैसे मार डाले उसे, हमें उसे बचाना होगा। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन कुड नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी बैक अगेन। कोई भी हम्प्टी डम्प्टी को बचा नहीं सका, हम बचाएंगे रूबी को। जंगल की तरफ चलिए भैया। सर, ये रूबी की लास्ट लोकेशन स्कूल है। स्कूल? क्या हुआ सर? रूबी जी कहाँ है? वो तो अभी अभी ऑटो से गई। कहाँ कहाँ गई? वो तो पता नहीं, लेकिन वो ऑटो वाले से कह रहे थे कि जंगल की तरफ चलो। जंगल की तरफ? लगता खूनी ने उसके लिए यह जाल बिछाया। कैसे भी करके इस रूबी को रोकना होगा। All the kings men could not put
हम्टी टुगेदर अगेन हम्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल हम्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट डे। ये तो रानी की आवाज है। मेरी बेटी भी शिकार हुई थी। हाँ, मैंने मारा लॉर्ड को, और अगर आप लोग बीच में नहीं आए होते तो मैं रूबी को भी मार डालता। क्यों क्यों किए खून तुमने, और रूबी को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो मासूम बच्चों के हत्यारे थे, जिन्हें मैं स्टूडेंट से ज्यादा औलाद मानता था। और उन बच्चों की मौत तो जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है ना? इसी आरोप ने मेरा पूरा कैरियर चौपट कर दिया। सब मुझे ही ब्लेम करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल तुम हो, लोग तो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे ना। स्कूल की देखरेख तुम्हारे अंदर है, तो बच्चों की मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। जो गलती मैंने नहीं की उसकी जिम्मेदारी मेरी क्यों? सब यही कहते हैं, यहां तक कि मेरे घर वाले और मेरी बेटी उससे बात नहीं करती थी। उसे लगता था कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूं। मुझे लगा था ये महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। कैसी असलियत? एक दिन कार्तिक और सुनैना को बात करते हुए मैंने सुना वो सुनैना को ब्लैकमेल कर रहा था। 5 लाख? पागल हो गए? मैं कहां से लाऊंगे इतने पैसे? तुम समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। रिलैक्स, इतने बड़े ट्रस्टी की बेटी होकर तुम मुझे 5 लाख रुपए नहीं दे सकते महीने का? ओह कम ऑन प्लीज, 5 लाख। देखो, मैं इसके बारे में कुछ सोचती हूँ, लेकिन प्लीज ये कहानी सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मुझे कुछ करना होगा। और तुमने बदला लेने की ठान ली? हाँ, मासूम बच्चों की आत्मा की शांति के लिए मैंने उन्हें मार डाला। गुनाह करने से सुकून नहीं मिलता प्रिंसिपल साहब, अच्छे कर्म करने से सुकून मिलता है। तुम्हारा तो दिमाग ही ठिकाने पर नहीं है। तुम्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है, ले जाओ इसे। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. लालच आदमी को किस हद तक गिरा देती है सर, ये इस केस में देखने को मिला। और सर, अन्याय इंसान को कैसे अपराधी बना देता है वो भी इस केस में देखने को मिला। अन्याय और लालच की वजह से 7 लोग भेंट चढ़ गए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.